DRS डिसीजन रिव्यू जो सिस्टम है, जमाने में इसको धोनी सिस्टम भी कहा जाता था, बड़े अच्छे लेते थे, लेकिन ये भारत में जो DRS के नतीजे हैं ये बहुत ही जो है ना कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। तनवीर, तबरेज़ शम्सी वाला आउट सचिन तेंदुलकर के आउट पे तो आज तक सही सही दिन में कहते वो आउट था, वो आज तक आउट भी लगता है। मैं स्क्रीन पे भी वो चीज़ें ले आता हूँ। आज जो रोहित शर्मा का था डिसीजन, बॉल ट्रैकिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब आपने उसको लाइव एक्शन देखा था ना, इट वॉज डेड प्लम। अंपायर ने ऐसी उंगली खड़ी की थी क्योंकि वो गेंद इतना तेज था कि उसने क्या सही अजमल की तरह ब्रेक हो जाना था। अब आप ये सामने देखें, इसका कर्व चेक करें जरा आप इस DRS का, अगर आप तनवीर प्लीज को देख सकते हैं सामने, ये एक फास्ट बॉलर की फुल लेंथ 145 प्लस डिलीवरी है, ये वो सही अजमल वाला आउट है। तनवीर, मैं ये नहीं कह रहा, देखें मैं यहाँ बैठ कर बड़ी सीधी बात बोलूंगा, ये भारत क्या आउट हो, या आपको याद है हमने तो वांडर डोसन पे भी कहा कि वो भी कंफ्यूजन है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये DRS बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके। आप जरा इसका कर्व चेक करें बॉल का, देखें कैसे बॉल यूं जा सकता है, यूं जाके देखें ये जिस वो तो पढ़ के जो लेंथ बन गई उसकी वो लेंथ है। देखिए जिस दिन ये DRS आया था ना जी सर, मुझे दूसरों को नहीं पता, मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि मुझे डाउट है इसके ऊपर। आपको पता ही कौन चलाता है, ब्रॉडकास्टर चलाता है। मैं यही तो कह रहा हूं, ब्रॉडकास्टर के लोग चलाते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, हाथ में सब कुछ होता है। देखिए मैं यही कह रहा हूं, मुझे एक तो इस पे ये डाउट है, सॉफ्टवेयर है ICC का, उस पे नजर भी होगी, लेकिन चले मैं मार्जिन दे रहा हूं हर बंदे को कि इसमें कोई चले कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अगर कोई इंडिया से देख रहा भाई, अच्छा, मुझे, नहीं कर रहा, अच्छा, मुझे कर रहे हो मुझे, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है। मुझे मुझे एक चीज बताएं, हाँ ये मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरी एक अपनी रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं, क्या इन चीजों पर मैच बदल नहीं सकता? पूरा मैच चेंज हो गया उस पे, शम्सी पर। आज रोहित शर्मा का डिस्मिसल जिस वक्त हुआ, इंग्लैंड 200-150 पे आउट कर देता इंडिया को, वेटिंग कर गए। अब इनको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या वो चेंज नहीं कर सकते मैच? आपको एक और बात बताऊं, हमारे भी कुछ ब्रॉडकास्टर दोस्त हैं, पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टिंग होती है, मैंने ऐसे ही पूछा इस मामले पे, उन्होंने बोला 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें मैं आपको कह रहा, डाउट्स नहीं रहते। जब आया था मुझे ऐसे लगता है कि आप इसको बदल सकते हैं, ये जो हम देखते हैं ना ये एक्यूरेट नहीं है, या आप बदल सकते हैं, बदल किस तरह सकते हैं? अभी मैं आपसे कल या आपसे किसी से बात कर रहा था, अब मुझे ये बताएं कि बाउंसी पिचेस पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जी जी हर गेंद ऊपर स्टंप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आप पिचेस पे बैटिंग कर रहे हैं और आप पाकिस्तान की पिचेस पे या इंडिया या बांग्लादेश श्रीलंका, ठीक है, इन पिचेस पे बैटिंग आप कर रहे हैं, तो जब भी किसी के पैड पे बॉल लगती है नी से ऊपर, मतलब हर पिच के ऊपर बाउंसी हो या रेड़ा पिच हो वो फ्लैट, उसमें गेंद विकेट पैरामीटर ही जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। आप कैसे जज कर रहे हो कि बाउंस वहां से नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? आप इन चीजों को नोट करो ना, इसका मतलब ये है कि ये अगर कोई नहीं चला रहा तो इसको एक नॉर्मल पिच के हिसाब से इन्होंने एक फर्मा सेट कर दिए कि यहां हिट होगा बॉल ये यहां से गुजर जाएगा, इधर हिट होगा बॉल ये यहां से गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने बात की ना अभी कि रोहित शर्मा को लगा उसके विकेट पे बॉल लग रही थी या सईद अजमल की, वो जिस सिमत में बॉल जा रही थी जब पैड पे लगी, उसके बाद जब DRS होता है तो वो गेंद वहां से मूव कैसे हो गया? ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, और आपका मतलब, अच्छा तभी इसमें एक और पॉइंट भी है, इसका मतलब एक और है, एक मेरा पॉइंट, इंपैक्ट जब पैड पे लगा है खासतौर पर जब बैकफुट वाला था, जैसे शम्सी का था या तेंदुलकर भी बैकफुट पे थे, आज रोहित शर्मा ने थोड़ा सा फिर भी आगे थे, जहां गेंद ने आपको स्ट्राइक किया है आपने वहां से गेंद को रीड करना है या आपने वहां से गेंद को टच करा के मूव करा के फिर आप फैसला करोगे? देखो ये मुझे समझ, या मुझे बताओ, बॉल अगर ब्रेक हो रहा हो ना तो समझ भी आती है, निकल जाएगा बॉल। आप मेरा पॉइंट समझे? मैं समझ गया। आपने जब गेंद खाई पैड पर उस वक्त विकेट के सामने हो, मैं यही तो कह रहा हूँ, वहां पे बॉल डेड हो गई है, उसके बाद कहां बॉल जा रही है इस पे क्या फैसला है? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसके बाद कैसे बॉल बाहर की तरफ निकल रही है, सही है, बिल्कुल। अब भाई सीधी बात है, शको शुबात मेरे जाते हैं इस तरफ, बिल्कुल, कि यार ये इसलिए ये चीज बनाई गई है, ये मेरे शको शुबात है, मैं 100% नहीं कह रहा जी। ये चीज इसलिए बनाई गई है, एक तो चलो पैसा बनाओ, दूसरा ये कि इससे आप किसी टाइम भी कोई भी इंपॉर्टेंट मैच आप बदल सकते हो, और अगर ये हो सकता इसका है, हल क्या है? एज अ क्रिकेटर आप सजेस्ट क्या करते हैं, इसका हल क्या है? किसके अंडर आती है ये सारी चीजें? ब्रॉडकास्टर और फिर ICC की सारी बातें ऑन करता है। आप देखें
आप ये देखो, ये सईद अजमल वाला भी आपके सामने है और आज वाला मुझे एक चीज बताएं, हमने कल परसों भी बात की थी जी, आईसीसी हो या कोई भी इदारा हो वो क्रिकेटर से चलता है। अगर दुनिया के क्रिकेटर्स बैठ के ये बात करते कि यार इन चीजों के ऊपर बात चाहिए तो आईसीसी सुनता क्यों नहीं है? है वो कमेटी, आपको पता है एमसीसी ने इसको रूल बनाने होते हैं, लेकिन जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है, वो आपको याद है जो हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, वो रूल खत्म हो गया लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सके। दैट्स हाउ क्रिकेट इज रनिंग राइट नाउ। आप जब बहुत बुरा हो जाता है, बहुत गालियां पड़ जाती हैं, बहुत बैकलैश आता है, जैसे अब हम सब DRS पे शुरू हो गए हैं, अब आप देखना एक दो साल बाद इसको तब्दील कर देंगे, तब्दील करके कुछ और अभी कुछ नहीं करेंगे, तब्दील करके कुछ और ले आएंगे। हाँ, अब फिर आप उस पर बात करते रहना, भाई टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी तो कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऊपर तो फिंगर्स उठ रही है, बिल्कुल ये कैसी टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप DRS की बात कर रहे हैं ना, ये जो एज लगता है ना जब जी, ठीक है, इतनी फोर्स के साथ जब बल्ला आता है ना बैट्समैन, जब इतनी फोर्स के साथ बल्ला लेके जाता है, आप हमेशा चीज नोट करना जी, जब आप इतनी तेजी से बल्ला लेके जाते हैं ना, उसके पास से कोई सी भी चीज गुजारेंगे आपको हवा की आवाज आती है, बिल्कुल आती है, आती है। बाबर आजम के केस में आपने देखा, ठीक है, हवा गेंद गुजर गई है, दूसरी तरफ वो उसमें स्नीको पे एक, ठीक है, हवा की आवाज आती है, ठीक है। इसी तरीके से जब 150 पे बॉल जा रहा होता है ना, और इतना रॉकेट की तरह बल्ला घूम रहा होता है, जब पास से भी जाएगा ना, वो हवा की आवाज आएगी आएगी, उसकी आवाज की वजह से भी ये जब बॉल और बैट के पास से बॉल जा रही होती है, बैट के पास से, वो आपको लाइन छोड़ देता है। DRS को डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहते हैं, मैं इसको डाउटफुल रिव्यू सिस्टम कहकर यहाँ पे सेगमेंट को खत्म कर रहा हूँ, नतीजा आप पे छोड़ा भाई। हाँ, गेंद जो इंडिया से लोग देख रहे हैं खातों पर DN स्पोर्ट पे, भाई हम ये नहीं कह रहे भाई मानी हुई है, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है। और कभी मुझे इंडिया के कोई बैट्समैन जो है उस तरह आउट होते दिखाई नहीं देते, या उनके हक में या खिलाफ ऐसी, बहरहाल आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं।